नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सात ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट सेल में मिलते हैं काफ़ी अच्छी कीमत पर। ये दोस्तों मैं आपको सात ऐसे स्मार्टफोन बताऊँगा जो दोस्तों अलग अलग प्राइस पे आते हैं, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनको ऐसे फोन चाहिए होती है 2000 के अंदर आ जाएँ, और काफ़ी लोग होते हैं जिनका बजट होता है 15000 रुपये, काफ़ी लोगों का बजट होता है 225000 रुपये, और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट उससे ऊपर होता है। दोस्तों मैं हर कैटेगरी के फ़ोन आपको बताऊँगा जो जो सात ऐसे स्मार्टफोन हैं जो आपको फ्लिपकार्ट सेल में अच्छी कीमत में देखने को मिल जाते हैं अच्छे अच्छे ऑफर के साथ, और सात और दो सभी सभी फ़ोन अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो उसे वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए उसे वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको वो सारे सात स्मार्टफोन बताता हूँ जो आपको फ्लिपकार्ट की इस इलेक्ट्रॉनिक सेल में देखने को मिलते हैं अच्छी कीमत पर। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करें तो जी है दोस्तों Redmi का 9 पावर। दोस्तों ये फ़ोन है 10000 रुपये के अंदर का, काफ़ी लोग होते हैं जिनका बजट से 10000 रुपये होता है। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में मिल रहा है 10500 रुपये का, और दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंकिंग कार्ड से भेजते हो, इसका पेमेंट करते हो, तो ये आपको 9500 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों 9500 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें आपको 6000 एमएच की बैटरी मिलती है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो दोस्तों 6.5 डिस्प्ले है, और दोस्तों इसके कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो दोस्तों रियल कैमरा है वो 48 MP का, और दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप आपका बजट 9500 रुपये है तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। दोस्तों दूसरे फ़ोन की बात करें तो ये दोस्तों पोको M2 Pro। दोस्तों अगर आपका बजट 10000 रुपये थोड़ा ऊपर है, 11-12000 रुपये है, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। दोस्तों इसमें आपको 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो दोस्तों फुल HD डिस्प्ले है। इसका दोस्तों ग्लास बॉडी है, इसमें फ्रंट में दोस्तों आपको कोरियन गोरिल्ला 5+ देखने को मिलती है, और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स इसकी डिजाइन है, और दोस्तों कीमत भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये आपको मिल रहा है 12000 रुपये का, बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये आपको मिल जाएगा 11000 रुपये का। तो दोस्तों अगर आपका बजट 11-12000 रुपये है तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस फ़ोन में आपको हर वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आप एक 15-20000 रुपये वाले फ़ोन में देखते हो, वो सारे फीचर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। कैमरे भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, बैटरी काफ़ी अच्छी है, 4200 पार्ट मिलता है इस बॉक्स के साथ आपको, और दोस्तों डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं उस प्राइस की जो दोस्तों काफ़ी लोगों की होती है नॉर्मल प्राइस 15-20000 रुपये के बीच की, 14-15000 रुपये मान लो। दोस्तों इस बजट में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा दो फ़ोन। जो दोस्तों पहला फ़ोन है वो दोस्तों पोको का X3। दोस्तों ये फ़ोन मिल रहा है आपको इस सेल के अंदर 15000 रुपये का, बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको सिर्फ 14000 रुपये का। तो दोस्तों 14000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 732G, जो दोस्तों एक लेटेस्ट प्रोसेसर है जिसमें दोस्तों आप कितनी भी हैवी गेमिंग करो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। बैटरी काफ़ी बड़ी है इसकी, 4200 काफ़ी बड़ा है, और प्लस दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं इस फ़ोन के, आपको इसमें हर अच्छी चीज़ मिलती है। सिर्फ इसकी दोस्तों एक दोस्तों जो कौन सा वो इसकी थिकनेस काफ़ी मोटा फ़ोन है बस, उसके अलावा दोस्तों इस फ़ोन में हमें कोई भी बुरी चीज़ देखने को नहीं मिलती, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर इस फोन में दिए गए हैं। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करें इसी प्राइस रेंज में तो वो दोस्तों रेडमी की तरफ से, वो दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। यहाँ दोस्तों ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 15000 रुपये का, बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको 14000 रुपये का। दोस्तों नोट 9 प्रो मैक्स काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दोस्तों ये फ़ोन मिल रहा था आपको 70000 रुपये की कीमत में इसका बेस वेरिएंट, बट अभी ये आपको मिल रहा है सिर्फ 14000 रुपये में इस सेल के अंदर। दोस्तों आप इस फोन को लेना चाहते हो तो ले लो, इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी है, ग्लास बॉडी दी गई है, और काफ़ी स्लिम फोन है दोस्तों, ये देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन मैंने यूज किया है और काफ़ी अच्छा फ़ोन था ये। अब दोस्तों बात करते हैं इससे ऊपर की कीमत की जो दोस्तों 20-25000 रुपये। दोस्तों इस प्राइस पे दोस्तों हमें एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है जो दोस्तों IQ3। दोस्तों ये फ़ोन हमें इस प्राइस में मिल रहा है 25000 रुपये का, बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो अगेन HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको 24000 रुपये का। दोस्तों 24000 रुपये कम कीमत में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके सबसे अच्छे हाईलाइट की बात करें तो वो दोस्तों इसका प्रोसेसर, इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 865, जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए जाएंगे। दोस्तों इसका कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, बैटरी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, और प्लस दोस्तों इसके अंदर मिलती है आपको फास्ट चार्जिंग।
तो दोस्तों अगर आपका बजट है 24 से 25 हज़ार रुपये तो आप i3 ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको एक कर्री वाली दोस्तों परफॉर्मेंस मिलेगी, तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। स्नैपड्रैगन का 865 आपको दोस्तों काफ़ी महंगे महंगे फ़ोनों में देखने को मिलता है, बट दोस्तों आपको मिल रहा है सिर्फ 24 हज़ार रुपये में। तो आप अगर आपका बजट 24-25 हज़ार रुपये है तो आप इस फोन से जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इससे ऊपर की प्राइस की, जो दोस्तों 30 से 35 हज़ार रुपये या दोस्तों मान लो 35 से 40 हज़ार रुपये। दोस्तों अगर आपका बजट 35-40 हज़ार रुपये है तो मैं आपको बताता हूँ एक सैमसंग का फ़ोन, क्योंकि दोस्तों सैमसंग एक ऐसी ब्रांड है जो इंडिया में काफ़ी भरोसेमंद ब्रांड है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी S20 FE की फैन एडिशन की। दोस्तों इसका प्राइस है 245 हज़ार रुपये है फ्लिपकार्ट पर भी, बट मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दूँ खरीदने का। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए 40 हज़ार रुपये समथिंग का, तो आप सैमसंग का गैलेक्सी FE जो फैन एडिशन है दोस्तों आप इसको खरीद सकते हो। आपको जो अपनी मार्केट से खरीदना है क्योंकि दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन प्राइस है वो है दोस्तों 40 से 45 हज़ार रुपये, बट इसकी जो ऑफलाइन प्राइस है दोस्तों वो है 35 से 37 हज़ार के बीच की। अगर आप थोड़ा बारगेनिंग करते हो अपनी मार्केट में आके तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 35 हज़ार रुपये मिल जाएगा। प्लस दोस्तों इसमें आपको कुछ ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावर बैंक वगैरह होती हैं वो आपको गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। तो अगर आपका बजट 235-40 हज़ार रुपये है तो आप सैमसंग गैलेक्सी FE फैन एडिशन को ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। एक फ्लैगशिप फ़ोन है ये सैमसंग गैलेक्सी FE। और दोस्तों इसका सबसे की हाईलाइट की फीचर की बात करें तो वह दोस्तों इसमें वाटर प्रूफ वाला IP68 रेटिंग, जिसमें दोस्तों आपका फ़ोन पानी में भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसे पुल झाड़ यूज़ करो कहीं पे भी यूज़ करो, आपका ये फ़ोन बारिश में भी बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे अच्छे ऑफर की, इस लिस्ट के सबसे अच्छे ऑफर की। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के आईफोन 11 की। दोस्तों इसकी कीमत वैसे 50 हज़ार रुपये समथिंग है मार्केट में भी, ऑनलाइन भी आप कहीं से भी ले लो, बट दोस्तों अभी जो आपको फ्लिपकार्ट मिल रहा है सिर्फ 45 हज़ार रुपये का, या दोस्तों मान लो आप 46 हज़ार रुपये का। दोस्तों 45 हज़ार रुपये में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसकी वैसे जो कीमत है वो है दोस्तों 52 हज़ार रुपये, और कभी कभी दोस्तों हो जाती है 49-51 हज़ार रुपये, बट दोस्तों जी अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 45 हज़ार रुपये का। दोस्तों 45 हज़ार रुपये में आईफोन 11 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हैं, और दोस्तों इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इसमें हमें। इसमें मिलता है हमें A13 Bionic चिपसेट, जिसमें दोस्तों आपको कर्री वाली परफॉर्मेंस मिलेगी, और दोस्तों इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं इसके, 12+12 के दोस्तों दो कैमरे दिए गए हैं बैक में, और फ्रंट में दोस्तों हमें 12 MP का कैमरा मिलता है। दोस्तों जी दो फ़ोन जो मैं आपको जो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट सेल में देखने को मिलते हैं मार्च के अंदर, जैसे दोस्तों आप होली सेल बोल सकते हो। दोस्तों मैंने जितने भी फ़ोन बताए हैं ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के ऊपर आते हैं, तो आपका जो भी बजट है आप उस हिसाब से इनमें से चूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से फ़ोन मैंने बताए हैं टॉप 7 सिलेक्ट करके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।